Hi everyone, welcome to Async Apps and this is your host Nonik Prajapati and हम लोग पिछले 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन कर चुके हैं और इन ऑर्डर टू क्रिएटिंग आवर 30 to 30 प्रोजेक्ट ये हमारा 6th प्रोजेक्ट है हमारे इस सीरीज का. ओके सो इन दिस प्रोजेक्ट हम क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना एक QR कोड जनरेटर API बनाएंगे, ठीक है, जिस API को हिट करने पे और उसमें कुछ हमको वैल्यू देने पे, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू देने पे हमको हमारा QR कोड बन के मिल जाएगा. ओके सो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हमको लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, npm init np, ओके npm मैं लिख रहा हूँ, npm init and y. Why means जो भी ये क्वेश्चन पूछेगा, एवरी क्वेश्चन इन क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट npm ask us, we will answer this yes. Okay, so this why means simply yes. Okay, so enter this and okay, so अब हमारा प्रोजेक्ट हो गया है क्रिएट एंड लेट्स एंटर दिस package.json फाइल एंड इन दिस let's do some changes. First change is type, set our type and our type will be module.js and this will our type module.js. We are not use common.js and okay, so now let's download our some dependencies and let's npm I and first dependency will be our express and second dependency will be our QR code. Okay, for using this QR code dependency we will generate our QR code. Okay, and last but least dependency is our node mon. Okay, node mon and enter, and after few minutes it will download all the dependency and तब तक के लिए हमको हम क्या करते हैं. अच्छा, डाउनलोड हो गई, हम लोग अपने अब क्या करते हैं, अपने index.js फाइल को बना लेते हैं. उसके लिए हमारे पास एक कमांड है echo and index.js and ये हो गई हमारी फाइल क्रिएट index.js here and now set our node mon. So script में हम जाएंगे and here we will set our start script and हमारी start script क्या होने वाली रहेगी, हमारे node experimental module और फिर es module और फिर es module and फिर specifier resolution is equal to node index.js. so ठीक है, so ये क्या करेगा, ये हमारे सर्वर को कंटिन्यूस रन करने में हमको हेल्प करेगा. ओके एंड लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर. सो npm start एंड आफ्टर सम टाइम ओके इट स्टार्ट आवर सर्वर दिस सर्वर एंड लेट्स एंटर दिस इन index.js एंड इन index.js फर्स्ट we test this index.js. So for testing we set a log and in this log we will print e and you can see here in terminal he is appear here. Okay, so abhi kya karna humko, ab टेस्ट वगैरह जो भी था वो हमने कर लिया एंड अब हम इम्पोर्ट करते हैं अपने, सबसे पहले इसको इम्पोर्ट एक्सप्रेस को. ओके एक्सप्रेस ओके सो ये हो गया हमारा. ओके तो हमने कुछ गलत चीज यूज एक्सपोर्ट कर ली है, एक्सप्रेस करना हमको ना दिस हियर, ये रहा हमारा एक्सप्रेस एंड इसमें कुछ हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं एंड एक्सप्रेस ठीक है. एंड अब दूसरा चीज़ हमको क्या एक्सपोर्ट करना है, दूसरी चीज़ हमारी होगी हमारा QR कोड. सो उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग एंड एक्सपोर्ट कह रहा हूँ मैं, सॉरी इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट QR ओके
आई थिंक क्यू आर कोड। ओके सो हमारा क्यू आर कोड भी हो गया, और हम इसको ये करली ब्रैकेट से हटा लेते हैं, और ये हो गया हमारा क्यू आर कोड भी इम्पोर्ट। एंड अब क्या करना है, अब हमको अपने पहले एक्सप्रेस सर्वर को रन करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस सर्वर को रन करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, ऐप। अच्छा, सबसे पहले तो हमको अपना वो सेट कर लेते हैं हम लोग पोर्ट नंबर, कि हम लोग अपने किस पोर्ट नंबर पे अपने इस एक्सप्रेस सर्वर को रन करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सेट आवर पोर्ट नंबर। सो उसके लिए क्या करना होगा हमको, उसके लिए हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे और उस कॉन्स्ट में अपना पोर्ट नंबर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस ये करना होगा, एंड ठीक है। और फिर अब हमको क्या करेंगे, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू वी विल यूज आवर 3000 पोर्ट, एंड सो 3000 पोर्ट हमारा हो गया असाइन। एंड अब हम इस पोर्ट को क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐप डॉट लिसन, एंड इसमें हम क्या करेंगे, अपने पोर्ट नंबर को सेंड कर देंगे, यहाँ पे अपने पोर्ट नंबर को असाइन कर देंगे, मतलब कि जो पोर्ट जिस पोर्ट पे हम इसको रन करना चाह रहे हैं उसको दे देंगे। तो हम लोग पोर्ट नंबर को अपने इस पोर्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करके रखे हैं पहले से ही। सो यहाँ पे हम पोर्ट, एंड फिर यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लगा देते हैं कि जब जब ये हमारा रन हो सो हमें पता चल जाए कि हाँ हमारा जो मतलब सर्वर है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लॉग एक प्रिंट कर देते हैं, लॉग करने पे। ओके सो लॉग में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, लॉग में हम लोग सिंपली ये प्रिंट कर देते हैं कि लोग जहाँ हमारा मतलब सर्वर रन हो रहा है उसका एड्रेस प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। उसका एड्रेस क्या था, ओके सो ये वाली स्ट्रिंग के लिए हम, अच्छा जब हमको कोई वैसी स्ट्रिंग यूज करनी हो जिसके अंदर हमको कुछ प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम लोग ये वाली स्ट्रिंग का मतलब सिंबल यूज करते हैं। हम लोग क्या, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट पे कहाँ पे हमारा ये रन हो रहा है, ये रन हो रहा है हमारे पोर्ट पर, ठीक है। तो पोर्ट पोर्ट को यहाँ पे सुपर, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारा स्टार्ट होगा, कोई बिना दिक्कत के स्टार्ट होगा अगर हमारा सर्वर, तो हमको यहाँ पे उसका एड्रेस मिल जाएगा जो हमारा इनिशियल राउट है उसका पोर्ट नंबर के साथ उसका, ठीक है। तो ये हो गया, एंड ओके सॉरी ये गलती मैं क्या कर दिया, ठीक है। तो कोई नहीं, अब क्या करते हैं, अब हमको अपना एक राउट बनाना होगा, ठीक है। उस राउट में क्या करेंगे हम, उस राउट में मतलब वो गेट राउट होगा, और उसमें पैरामीटर के अंदर हम लोग पैरामीटर के अंदर पैरामीटर कह रहा हूँ, क्वेरी के अंदर जो हमारी यूआरएल होती है उसमें क्वेरी लगा के हम क्वेरी के अंदर अपना टेक्स्ट लेंगे जिसको हमको क्यू आर कोड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो करते हैं वो चीज, और कुछ शायद हमको क्या करना था, एक काम और, वन सेकेंड। ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐप डॉट गेट, एंड ऐप डॉट गेट, फिर उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसके ऐप डॉट गेट जब यूज करते हैं फिर उसके बाद हमको अपना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देना होता है। पहले तो हमको अपना क्या करना होता है, जो राउट है, ये जो गेट राउट जहाँ पे मतलब हमको रन करना है उसका राउट देना होता है, फिर उसके बाद हमको अपना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का वो सारी चीज़ें कॉल बैक फंक्शन देना होता है, ठीक है। तो राउट सेट करते हैं, राउट के लिए यहाँ पे मैं क्या क्यू आर कर देता हूँ इसके राउट मतलब इनिशियल राउट, फिर उसके बाद क्यू आर राउट में, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन एरो फंक्शन होगा जो कि इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पे हमारा जो ये एरो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा मतलब क्या कह रहे हैं हम, जो हम ये मतलब यूज कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन, ये हमारा क्या कहते हैं एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम एसिंक लगा देंगे, एसिंक बाद में अभी अंदर हम जाके अपने ये अवेट को यूज करेंगे, तो अगर अवेट को नहीं यूज करेंगे तो ये बोलेगा कि मतलब
अननेसेसरी एसिंक कैप एसिंक यूज हुआ है यहाँ पे। सो अब क्या करते हैं, अब हमको सबसे पहले तो अपने जो हमारा टेक्स्ट है उसको अपने क्वेरी क्वेरी से लेना है। तो ठीक है, वो कैसे लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी और फिर हमारा टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी एंड डॉट टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट। ओके, सो अब जब जब अब हम इसको हिट करेंगे, मतलब हम इस यूआरएल को हिट करेंगे, सो हमको यहाँ पे एक क्वेरी दे देनी होगी जिसका नाम टेक्स्ट होगा और उसके अंदर हमारी टेक्स्ट की वैल्यू दे देनी होगी। ठीक है, अब यही टेक्स्ट जो है ना, इसी को हम अपने क्यूआर कोड में चेंज कर देंगे। ठीक, इसको हम क्यूआर कोड में चेंज कर देंगे। अगर अब यहाँ पे एक और चेक लगा देते हैं कि अगर हमारा जो मतलब टेक्स्ट है वो एम्प्टी रह गया, सो हमको क्या करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये टेक्स्ट अगर इफ जो हमारा टेक्स्ट है इसको ये अगर एम्प्टी रह गया तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, और स्टेटस कोड, ओके स्टेटस कोड यहाँ पे ना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। अच्छा, अगर मतलब यूजर ने कोई कोई भी चीज़ इसके अंदर दी नहीं है तो जो स्टेटस कोड है वो 400 होने चाहिए, मतलब कि हाँ कोई गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेटस कोड इसका कर देता हूँ 400 एंड डॉट सेंड, एंड सेंड कर देंगे हम कुछ यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग सेंड कर देते हैं, प्लीज 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 इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, प्लीज इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये हमारा एम्प्टी छोड़ रहा है यूजर हमारे इस क्वेरी को, तो हम उससे कहेंगे कि प्लीज इंटर स्ट्रिंग, मतलब इंटर स्ट्रिंग इंटर करो। ठीक है, सो ये हो गया, हम ये हैंडल कर लिए। अब क्या करेगा, अगर अगर जो हमारा यूजर है, अब उसने मतलब क्या कहते हैं, हमारे इस टेक्स्ट को एम्प्टी नहीं छोड़ा, उसमें कुछ वैल्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, तब हम अपने इस जो हमने क्या कहते हैं, ये हम क्यूआर कोड इस यूज कर रहे हैं, इसका यूज करके हम इस जो टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट है उसको हम क्यूआर कोड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट और क्यूआर इमेज इज इक्वल टू अवेट। अब इसको कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब टेक्स्ट से इसको इमेज में चेंज करने में, जो क्योंकि क्यूआर कोड हमारा इमेज होगा उसको चेंज करने में इसको कुछ टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अवेट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, सो अवेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने क्यूआर को कॉल करते हैं, क्यूआर कोड डॉट, यहाँ पे कौन सा चीज़, हम डाटा टू यूआरएल यूज करेंगे, हम अपने जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देंगे। तो इसको हम टेक्स्ट अपना दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको टेक्स्ट दे दिए। ठीक है, एंड एंटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी इमेज फाइल, जो हमको इमेज फाइल लेनी है। ठीक है, सो अब क्या करना है, अब हमको सिंपली ये जो जो हमने मतलब इमेज फाइल बनाई है उसको शो करवाना है। ठीक है, तो उसको शो करवाने के लिए जस्ट हम ऐसे ही शो नहीं करवा पाएंगे, ऐसे ही शो नहीं करवा पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको इस इमेज को अपने जो हमारा जो सिस्टम है उसके उसके पाथ के हिसाब से उसको मैप कर देना होगा, कि जिससे कि वो बफर फाइल में जाके वो स्टोर हो सके। ठीक है, सो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको एक और बना लेते हैं, कॉन्स्ट क्यू आर, ओके क्यू आर इमेज डाटा इज इक्वल टू, क्यू आर इमेज डाटा इज इक्वल टू क्या था, वन सेकेंड लेट मी चेक। ओके ठीक है, सो कुछ कुछ कभी कभी मैं अगर भूल जाता हूँ तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर, ओके क्यू आर इमेज डॉट
QR इमेज डॉट हमको चेंज, इसको क्या करना है, चेंज करना है, हम रिप्लेस करना है, एक्चुअल में हमको इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस, ओके सो ये ऑप्शन नहीं दे रहा है मुझको रिप्लेस करने के लिए, तो क्या दिक्कत हो रही है इसको रिप्लेस करने में, रिप्लेस डॉट डॉट रिप्लेस, ठीक है ओके मैं चेक करता हूँ, अगर ठीक है अगर हो गया, क्योंकि इन मेरा इंटेलिजेंस इसको मतलब बता नहीं रहा है कि कैसे मतलब इसको कौन सा फंक्शन इसके अंदर आएगा, एक बार और मैं चेक करता हूँ, ठीक है रिप्लेस करते हैं, और फिर यहाँ पे हमको जहाँ रिप्लेस करना है इसको उसका एड्रेस देते हैं, ठीक है हमको इसको रिप्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है मतलब ये हमारा जो ये कोड लिखा है मैंने, ये डाटा इमेज और फिर बेस इमेज, ये सारी चीजें, इसका मतलब क्या है ना, सिंपली इसका मतलब ये है कि इस जगह पे जाके हमको मतलब इस ये जो है ना, ये सिंपली एक पाथ है, पाथ जनरेट कर देगा और इस पाथ पे जाके हमारी इमेज बफर मतलब होके लोड हो जाएगी, ठीक है, और इसको हम अपन यूज कर सकते हैं शो करने के लिए अपने मतलब फ्रंट एंड या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है तो इसको हम लोग करते हैं सेट, एंड अब हम क्या करेंगे, यही सिमिलर सिंपली यही जो चीज़ है जो हमारी QR इमेज का डाटा है इसको हम सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में, ठीक रिस्पॉन्स में सेंड करते हैं इसको, रिस्पॉन्स इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और फिर इसको हमको कहाँ सेंड करना है, इसको पहले तो बफर में ले जाना है, मतलब कि ये हमारा पर्टिकुलर सेव ना डाउनलोड नहीं होगा, केवल कुछ टाइम के लिए जब तक हम इसको देख रहे हैं तब तक हमारे पास ये रहेगा, और अगर हमको चाहिए तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे बफर डॉट बफर डॉट, बफर के बाद हमको कौन सा चीज़ इसमें यूज करना, बफर फ्रॉम, ठीक है कहाँ से यूज करना है बफर फ्रॉम, और फिर अब हमको इसमें अपनी ये जो QR इमेज का डाटा है वो दे देना है, ठीक है और इसको बता देना है कि ये किस टाइप का होगा, बेस 64 टाइप का ये हमारा होगा, मतलब कि ये जो इसका इमेज की टाइप होगी वो बेस 64 होगी, ठीक है तो QR डाटा, और फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मिलने लगे, ये हमको किस में स्टोर कराना है, बेस 64 में, ठीक है ये हो गया, एंड लेट्स चेक कि ये हमारी सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं, हम एक स्ट्रिंग डाल के चेक करेंगे कि हमारा ये काम कर रहा है, हम QR कोड को यहाँ से ले लेते हैं, एंड अपने ये बेस इस एड्रेस को यहाँ से ले लेते हैं, एंड और चलते हैं कहाँ पर, अपने थंडर क्लाइंट में, एंड थंडर क्लाइंट में फिर हम लोग एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पे अपना बेस URL सबसे पहले एंटर करेंगे, एंड फिर उसके बाद अपना जो जिस राउट पे हम इस सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, एंड फिर अपनी क्वेरी लगा देंगे, क्वेरी में क्या है, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम वैल्यू दे देंगे हाय, ठीक है एंड हमारा सर्वर रन हो रहा है, और इसको सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स इज बाइनरी फाइल डिस्प्ले नॉट सपोर्टेड, मतलब हमारा जो इमेज है वो तो जनरेट तो हो रहा है बट हमारा ये क्या कह रहा है कि रिस्पॉन्स जो है वो बाइनरी फाइल में है और ये डिस्प्ले नहीं कर सकता, तो ये क्या दिक्कत है, आई थिंक हमको हेडर में कुछ चेंजेस करने होते हैं, हेडर में हमको इसका टाइप बताना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स डॉट हेडर, हेडर हैज हेडर, ओके हैज हेडर, एंड फिर यहाँ पे हमको इसका कंटेंट टाइप जो है वो बताना पड़ेगा, ठीक है कंटेंट टाइप क्या है हमारे पास, हमारा जो कंटेंट टाइप है वो इमेज और PNG फाइल में रहना चाहिए, ठीक है तो कंटेंट टाइप अब हमने दे दिया, अब फिर से इसको रिस्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं, एंड सेंड, ओके रिस्पॉन्स इज बाइनरी फॉर्मेट,
एंड कंटेंट टाइप हमने दे दिया है, और कंटेंट हैज हेडर नहीं करना है यहाँ पे, सेट हेडर करना है। ठीक है, सेट हेडर। एंड लेट्स चेक कि हमारा अब सारा चीज़ आई थिंक काम करना चाहिए। एंड ओके, सो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका जो ये QR कोड जनरेशन है, वो वाला मतलब पूरा कोड हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ मैं आप एक काम करता हूँ, NABNEET कर देता हूँ एंड चेक करता हूँ। सो ये देख रहे हैं, ये जो QR कोड हमारा है, ये मेरे नाम का QR कोड हो गया। इसमें इसको अगर अब आप चाहें तो कॉपी या फिर जो भी चीज़ें करके इसको डाउनलोड वगैरह भी, आप डाउनलोड वगैरह का लॉजिक आप अपने खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये एक छोटी सी वीडियो थी और एक हमारा सिक्स्थ प्रोजेक्ट था। एंड फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।